सौ करोड़ लोग दुआ करेंगे, 150 करोड़ वहां के और 25 करोड़ यहाँ के और 20-25 करोड़ जो इधर उधर फैले में एक कम करने इसमें से चले पाकिस्तान कितने था 25 करोड़ 25 करोड़ तो 24 करोड़ 175 करोड़ ले ले जाए एक कम कर लेता हूं मैं अपने स्टूडियो में बंदा कम कर लेता हूं इंडिया की जीत की दुआ करेंगे अब आप सोच ले ये वक्त आ गया आपको दुआ करनी है आज आपका प्रॉब्लम दूसरा है ना आज आपका प्रॉब्लम दूसरा है इंडिया जीतेगा तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा तो एक बंदा कम कर लेता स्टूडियो का नहीं तो आप बता देना कि भाई आपको क्रिकेट प्यारी है या दुआ करना प्यारी है ये भी तो तय कर लेना यानी कि क्रिकेट आपको ज्यादा प्यारी है आप दुआ करेंगे उसके लिए कि भाई आप अपने राइवल्स के लिए करेंगे कि जी जहां तो वो भी बाजी में करते रहे बिल्कुल करनी चाहिए देखिए जहां अच्छी क्रिकेट है उनके लिए दुआ करनी चाहिए पाकिस्तान को इससे फायदा होगा बिल्कुल करनी चाहिए बाबर इस वक्त हॉट वाटर में आ चुके हैं और उनको निकालने के लिए अब विराट कोहली की भी दुआ चाहिए उनको विराट कोहली के लोग भी उनके लिए दुआ करें मैं बिल्कुल दुआ कर रहा हूं कि बाबर आजम जो है ना वो थोड़ी बेहतर हालात में आने ताकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में रहेगा तो थोड़ी सी खबरें भी रहेंगी थोड़ी सी एक्टिविटी भी मिलती रहेगी आपको अब सारे वर्ल्ड क्लास है इनके पास जब वर्ल्ड क्लास इस टीम के पास हो भाई वो एकदम से तो बाहर नहीं हो सकते जो बड़े वर्ल्ड क्लास से वो तो टूर्नामेंट से बाहर है यानी कि निकोलस पूरन वाली टीम तो वो तो पूरी की पूरी बाहर है तो पाकिस्तान के चांसेस इंडिया की वजह से बनेंगे बड़ी खुशी की बात है भाई ठीक है कल वो मैच जरूर जीते और हमें आगे लेके जाए ताकि इंडिया और पाकिस्तान का हम लोग फाइनल देखें और इसकी टीआरपी बहुत अच्छी आएगी सबको फायदा होगा सारी बात है हम इंडिया के साथ हैं इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं मजबूरन हमें इंडिया को सपोर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि इंडिया जीतेगा तो पाकिस्तानी टीम के कुछ चांस बनेंगे सेमीफाइनल में आने के सो इंडिया के साथ हैं हम इंडिया जिंदाबाद विराट कोहली जिंदाबाद इंडिया जीतेगा तो पाकिस्तान का कोई चांस बनेगा अच्छा अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया के मैच की तो जो पहले मैचेस हुए लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आते हैं और अब जो है पाकिस्तान तो बाहर हो चुका है अगर इंडिया कल जीतता है तो पाकिस्तान भी दोबारा कमबैक करेगा तो क्या देखती हैं कि लास्ट में पाकिस्तान जो है वो फाइनल में जाएगा अगर पाकिस्तान कल जो आप बता रही हैं मुझे अफ्रीका अगर बाहर होता है और फिर पाकिस्तान की बारी आती है तो इट कैन हैपन अब हम उस पर कहते हैं ना कि मौजज़ा होने को हो ही सकता है कि हम उम्मीद पे तो दुनिया कायम है तो हम भी उम्मीद करेंगे इस बात के ऊपर कि हम चाहते हैं कि इस बार भी फाइनल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होना चाहिए जो कि दुनिया का सबसे अच्छा फाइनल होता है सबसे अच्छा मैच होता है बिल्कुल और अगर हम बात करें इंडिया के जो कोहली हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अपनी कर रहे हैं क्योंकि जो पिछले मैचेस हो चुके हैं उनमें भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है उन्हें टॉप 10 में दिखाया जा रहा है कि सर उनको वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका शहबाज अली शहबाज मुझे ये बताएं कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि इंडिया को आप कहते हैं कि इंडिया कल जीते उसके क्या कहते हैं आपकी इंडिया कल जीत सके जी हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया इंशाल्लाह जीते और हमारा जो है ना नाम रोशन हो जाए क्योंकि हम विराट कोहली को पसंद करते हैं उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है अगर हम बात करें विराट की तो विराट जो है टॉप 10 में माना जाता है और कहा जा रहा है कि इस दफ़ा विराट जो है वो वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी अपने नाम करेगा तो इसके बारे में क्या कहेंगे तो हो सकता है कि वो ट्रॉफी अपने नाम ही करे हो भी सकता है दूसरी बात लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है ना पाकिस्तान को जो है ना नीचा करने अगर, के लिए ऐसी बात नहीं है अगर हम बात करें इंडिया की अगर कल इंडिया जीतता है तो पाकिस्तान जो है वो कम बैक कर पाएगा जी तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे फिर हम ये कैसे कह सकते हैं जो इंडिया है वो पाकिस्तान को नीचा दिखाता है जी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है कि पाकिस्तान को वो नीचे भी दिखा सकता है ये कैसे? सवाल क्यों क्यों नीचा दिखाता है वो क्योंकि अभी ये मैच अगर हार जाए तो ये तो उनकी गलती है ना जीतना चाहिए अगर हम बात करें इंडिया की तो वो पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखाता पाकिस्तानियों ने तो खुद खेलना है जी बिल्कुल जी मैच में जीत और हार होती है ये तो चलता रहता है लेकिन इंशाल्लाह हम सपोर्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इंडिया जीते तो इंडिया बनाए चांसेस मगर क्या गारंटी है कि पाकिस्तान क्या गारंटी है क्योंकि पाकिस्तान के जो ये वाले मैचेस है ना अब तो ये फंसते हुए लग रहे हैं गले गला भी खुश हो जाता है मतलब जीत एकदम निकल के नहीं आ रही है कहीं ना कहीं से जीम के नुक्ते रह जाते हैं अंदर ठीक है तो जीत मिलनी चाहिए और कन्विंसिंग जीत मिलनी चाहिए ये वो वाले मैचेस हैं मुझे याद है अच्छी तरह बचपन में क्या मैं भी बड़ा ही था उस वक्त कि जहांगीर खान खेल लें तो आदमी कल बहुत बड़ा दिन है और कल जिसको कहते हैं सुबह से हमारा जिसको कहते हैं बुरा हाल होने वाला है पहले बांग्लादेश को जितवाना है फिर पाकिस्तान को जितवाना है फिर इंडिया को जितवाना है इंडिया को जितवाना है और यहाँ मतलब कि क्या कोई कौन सी हमारे पाकिस्तानी फैन के साथ जाती है कर मतलब कि करे तो करे क्या तो मतलब कि अब जो मैच प्रीव्यू तो करना है बिल्कुल बताना है भी यही कल कौन जीतेगा लेकिन आप सब जानते हो कि हमारा जवाब क्या है प्रेडिक्शन का यहाँ पे जवाब नहीं बनता क्योंकि भाई पूरी जान लगा देने जिस तरह पाकिस्तान को सपोर्ट किया है ना पूरे जिसको कहते हैं वर्ल्ड कप में उसी तरह कल बांग्लादेश को सपोर्ट करना है उससे ज्यादा कल इंडिया को सपोर्ट करना एशियन टीम का दिन है एशियन वर्सेस तो कहते हैं पूरा जिसको कहते हैं अंग्रेज गोरे गोरों के अलावा जो अफ्रीकन सबको साफ जिसको कहते हैं ना हमारा मुकाबला है देखो बात सिंपल सी है बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो इंडिया हो पीर हम लोगों ने इकट्ठी काटी हुई भी है जो सी हम लोगों ने गुलामी की हुई अंग्रेजों की तो बदला पूरा उतारना है भाई तीनों भाई हैं हम भाई यार देखो मुझे इंडिया में पूरा यकीन है इंडिया कल जीतेगी बिल्कुल बांग्लादेश का बांग्लादेश खुदा ना खास्ता बांग्लादेश
हार गई, पूरा कहानी कहानी खत्म, पूरा दिन हमारा जाया और सारी कहानी को भाई पूरा वर्ल्ड कप में सबसे मेन मैच ही सुबह बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे, बिल्कुल बांग्लादेश को जितवाना किसी, मुझे पूरा यकीन है शाकिबुल हसन पे कल, इंशाल्लाह। देखो बांग्लादेश की बात की जाए ना, जो उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, जिम्बाब्वे उनसे मच बेटर टीम है टू बी ऑनेस्ट। बांग्लादेश का बहुत बुरा हाल है, लेकिन बांग्लादेश ने एक तो मैच जीतना है ना, एक मैच जीत चुकी हुई है, एक और तो जीतेगी ना, तो बांग्लादेश को जो नहीं है ना, जिम्बाब्वे से हार सकते हैं तो नीदरलैंड से भी हार सकते हैं, अब इन पे यकीन तो रहा नहीं है मुझे, सच्ची बात बताऊं तो। लेकिन मेरे भी दिल के अंदर जरा घबराहट सी हो गई टेंशन, अब ये हमारे भी वैसे वन साइडेड मैच होना चाहिए था, लेकिन अब इसकी भी टेंशन लेनी पड़नी कि भाई नीदरलैंड के हाथों ना हार जाए, इसके लिए भी दुआ करनी पड़नी है, पहले बांग्लादेश को जितवाओ, फिर पाकिस्तान को जितवाओ, फिर जिसको कहते हैं साउथ अफ्रीका, और अगर तो ये दो मैचेस सही गुजर गए, बांग्लादेश भी जीत गई पाकिस्तान भी जीत गई, जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में प्रेशर होना है ना, वो हमारे ऊपर, मतलब कि मैं सोच के अभी आप पॉजिटिव सोचे बेहतर यही है, लेकिन अगर सोचो सुबह ही बांग्लादेश हार गई फिर खत्म हो गया हमारा, फिर अगले दो मैच देखने का भी दिल नहीं करता, वही ना। लेकिन देखिए ना, बात ये है कि मैं देख रहा था आज पर्थ में, आपको पता ही है कि बारिश होती नहीं होती, लेकिन आज ऐसा खतरनाक बादल आया, पाकिस्तानीज आर प्रे फॉर इंडियाज विन, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, यार आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, कोई शक की बात है, इंडिया और साउथ अफ्रीका का, जिसमें इंडिया को जीतना ही जीतना है, तो आप वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट, कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इंडिया जीतेगा, हम इंडिया के साथ कोहली सेंचुरी करेगा, ठीक है, और साउथ अफ्रीका को हम करेंगे बाहर, ये इंडिया मैच जीत जाता है ना और इंडिया पहुंच जाता है तो हम कभी उसको फाइनल नहीं जीतने देंगे, इस वक्त हम टोटली तौर पर इंडिया पर डिपेंड कर रहे हैं। क्या लगता है सूरत हाल कल किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, क्या कल इंडिया जीतेगा या फिर साउथ अफ्रीका? अच्छा, कल तो हम तो बड़े एक्साइटेड हैं भाई, हमारे साथ जितने बच्चे हैं ये तो कोई मैच मिस नहीं करते, और आज हम शॉपिंग पे आए हुए हैं लेकिन हमारा दिल क्रिकेट में ही अटका हुआ है, ठीक है, अब हमारा हमने आज कंप्लीट काम अपना सारा होमवर्क कर लिया है, ठीक है, क्योंकि हमने कल मैच देखना है। अच्छा, अब ये सूरत हाल है कि कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इंडिया जीतेगा, हम इंडिया के साथ हैं, कोहली सेंचुरी।